हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सेरीकल्चर। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर हमने एपीकल्चर के बारे में पहले बात कर ली है और साथ में हमने लार्क कल्चर के बारे में भी बात की है। एपीकल्चर या जिसे हम कह सकते हैं मधुमक्खी पालन और लार्क जो कीट होता है उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस के अंदर अच्छे से बात की है। तो उसी तरह से एक और बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी स्टडीज होती हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर के रूप में। ओके, तो अब ये जो सेरीकल्चर है इसे हम अलग अलग सब टॉपिक्स के अंदर अगर बांट दें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सेरीकल्चर के अंदर हम पढ़ सकते हैं एक तरह से इनका इंट्रोडक्शन यानी कि सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क क्या होता है ना। और हम देखते हैं इससे जुड़े हुए अलग अलग जनरल फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए एग्जामिनेशन के पर्पज से, तो वो सब चीज़ें जो हैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम जान सकते हैं। उसके बाद हम जान सकते हैं वेरियस स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म की अलग अलग कौन सी स्पीसीज होती हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, और साथ में हम जान सकते हैं इनकी बायोलॉजी के अंदर हम जान सकते हैं वोल्टनिज्म और साथ में लाइफ साइकिल को। अब ये वोल्टनिज्म क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, लाइफ साइकिल के अंदर इनमें कितनी स्टेजेस देखी जाती हैं, उन स्टेजेस के अलग अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो सब हम इस तरह से इनकी बायोलॉजी के रूप में जान सकते हैं। और साथ में हम जान सकते हैं मॉरीकल्चर के बारे में। मॉरीकल्चर एक तरह से क्या है, तो हम देख रहे हैं मलबरी का जो कल्टिवेशन होता है, मलबरी या जैसे हम कहते हैं शहतूत है ना, तो उसके बारे में उनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वगैरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेरीकल्चर से जुड़ी हैं। क्यों जुड़ी हैं, क्योंकि सिल्क वर्म जो है उसका होस्ट प्लांट या देखते हैं कि वो फीडिंग किसके ऊपर करता है मेनली, तो हम देखते हैं वो मौरी या कह सकते हैं मोरस अल्बा जिसे हम कह रहे हैं मलबरी, तो उसके ऊपर उसका कल्टिवेशन वगैरह सब कुछ देखा जाता है, तो उसे हम एक तरह से मौरी कल्चर के अंदर पढ़ सकते हैं। और साथ में हम पढ़ सकते हैं उसकी अलग अलग वेराइटीज़, उसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से होती है, उसकी प्रिजर्वेशन की क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम एक तरह से मॉरीकल्चर के अंदर पढ़ सकते हैं। साथ में हम जान सकते हैं कि सेरीकल्चर के अंदर जो सिल्क वर्म है उसकी रेयरिंग किस तरह से की जाती है, यानी उसको किस तरह से पाला जाता है, और साथ में उसकी माउंटिंग किस तरह से की जाती है। माउंटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, जो पर्टिकुलर जिस जगह में उसकी रेयरिंग करनी है, तो कहने का मतलब माउंटिंग हो गई, उनकी हार्वेस्टिंग हो गई कोकून्स की। सिल्क वर्म जो होता है अपने प्यूपा स्टेज के अंदर चारों तरफ जो प्रोटेक्शन के लिए कोकून बनाता है, तो उस कोकून की किस तरह से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, किस तरह की इसके अंदर पेस्ट और डिजीज लगती हैं, तो इस तरह से कहने का मतलब सेरीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इसे इस तरह से हम सब टॉपिक्स में बांट सकते हैं। आज इस वीडियो के दौरान हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले आज इसका एक इंट्रोडक्शन यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन सेरीकल्चर से रिलेटेड जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ में इससे जुड़ी इसकी सिल्क वर्म की जो स्पीसीज हैं और साथ में इसकी जो बायोलॉजी है उसके बारे में इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा और उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनके अंदर इन आने वाले टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो से पहले हम एपीकल्चर और लार्क कल्चर और साथ में ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर जिनके अंदर प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स आते हैं उनके ऊपर पिछले वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब सेरीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ जनरल बातें जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सेरीकल्चर होता क्या है। सेरीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। सेरीकल्चर ये जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा, तो हम देख रहे हैं सेरीकॉस जो है वो अपने आप में दो टुकड़ों से तोड़ा जा सकता है, सेरी प्लस कॉस। सेरी का मतलब ऑफकोर्स सिल्क है और कॉस का मतलब कल्चर है ना, तो सेरीकॉस का मतलब ये हुआ कि किस तरह से हम देख रहे हैं सिल्क की रेयरिंग होती है, उसकी जो साइंस है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सिल्क कल्चर कह रहे हैं, सेरीकल्चर कह रहे हैं है ना। तो अभी इसके आगे लिखा है मीनिंग सिल्क वर्म रेयरिंग। सिल्क वर्म की रेयरिंग क्यों, क्योंकि जो सिल्क है वो मिलता किससे है, सिल्क वर्म से मिलता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेरीकल्चर इज इक्वल टू सिल्क वर्म रेयरिंग है ना। और अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखें तो सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वर्म। सिल्क वर्म को कल्टिवेट किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनको उनकी रेयरिंग की जाए, उसका ये जो पूरा प्रोसेस है या हम कह सकते हैं इसकी साइंस या आर्ट है जो इसकी,
और साथ में एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम, और साथ में उसमें से सिल्क किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो इस तरह की साइंस आर्ट या इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, सेरिकल्चर कह रहे हैं, है ना। और साथ में हम देखते हैं कि ये सिल्क क्या है फिर, जब सिल्क हमारा इसका एंड प्रोडक्ट है, तो ये जो सिल्क है इसका ये क्या होता है। तो आप भी जानते हैं कि जो सिल्क वर्म होता है वो अपने प्यूपा स्टेज के अंदर चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग बना लेता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। अब वो जो कोकून होती है वो सिंगल थ्रेड यानी एकल धागे से बनी हुई एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। अब ये जो सिंगल धागा है, इसे ही हम क्या कर लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं, अपनी उसकी प्रोसेसिंग करते हुए उसका एक अलग धागा जो होता है उसे कपड़े वगैरह बनाने में काम में ले लेते हैं। तो कहने का मतलब उस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो सिल्क वर्म होता है वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से इस तरह की ये सिल्क जो है उसे प्रोड्यूस कर पाता है ना। अभी जो सिल्क होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके बारे में आप याद रखेंगे, कौन से वो दो प्रोटीन हैं, तो हम देखते हैं इसमें एक होता है फेब्रोइन और दूसरा होता है सेरेसिन। सिल्क जो होता है उसके अंदर दो तरह के प्रोटीन हैं, फेब्रोइन एंड सेरेसिन। फेब्रोइन जो है वो एक तरह से उसकी कोर है, कोर यानी उसके बीच का हिस्सा है। जैसे कि आप, अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन के अंदर जो उसकी रिफिल है उसको आप एज अ कोर सपोज कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक है वो उसका कवर है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, फेब्रोइन उसके अंदर की कोर होती है सिल्क के धागे की, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं जो सेरेसिन है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसका कवर है। यानी कि फेब्रोइन एक तरह से 75% प्रोटीन है, जबकि 25% उसके ऊपर कवरिंग होती है, जिसे सेरेसिन प्रोटीन कहते हैं। ओके, और साथ में हम ये याद रख सकते हैं, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क। सिल्क का दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन कौन कर रहा है, तो हम देख रहे हैं चाइना कर रहा है। ठीक है, अब चाइना का नाम याद आया ही है, तो इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी को भी आप ध्यान रखिए कि चाइना के पीछे उसकी क्या हिस्ट्री है सिल्क की। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो चाइना है उसी के पास सिल्क वॉर्म या सेरिकल्चर की टेक्निक थी। एक्सीडेंटली हम ये देखते हैं कि जब वहाँ की कोई प्रिंसेस जो है वो किसी बाउल के अंदर गर्म पानी को या उससे जुड़ी हुई किसी डिश को कंज्यूम कर रही थी, उस वक्त उसके अंदर कोई कोकून जो है सिल्क का वो गिर गया, और देन उससे हम उसने देखा कि भाई जो ये सिल्क की कोकून है उससे क्या हो रहा है, अलग वो अलग हो सकता है, उसका सिल्क अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ उन्हें समझ आया कि भाई ये जो करिश्माई कीट है या मैजिकल इंसेक्ट है, जो इससे ही कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अपना बहुत ज़्यादा फायदा बना सकते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं चाइना ने सबसे पहले सेरीकल्चर को डेवलप किया और काफ़ी बड़ा उसका एक्सपोर्टर बना, और उसे बहुत महंगे दामों पे उसने बेचा। और साथ में चाइना ने लगभग 2500 सालों तक उस चीज़ को, इस टेक्निक को अपने पास ही एक सीक्रेट के रूप में रखा, एक कह सकते हैं रहस्य बनाए रखा, दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया कि ऐसा कैसे बना पा रहे हैं ये सिल्क को। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई दो संत वगैरह या ऐसे दूसरे देश के जासूस के रूप में वहाँ गए, और उन्होंने पता लगाया कि यार क्या टेक्निक है इनकी। तो उन्होंने वहाँ से उसके जो एग्स होते हैं, किसके एग्स, सिल्क वर्म की एग्स जो होते हैं, उन्हें ले लिया, और देन वो वहाँ से निकले बैम्बूज़ के अंदर, उसे वो छिपा लाए, और देन उसके बाद हम देखते हैं यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सेरिकल्चर फैल गया। और उसके बाद तो अब आप भी जानते हैं, इंडिया, जापान, इटली और फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगहों पे, चाइना तो है ही साथ में, ऐसी जगहों पर हम देख रहे हैं सेरिकल्चर डेवलप हो चुका है और अच्छी इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस वजह से हम देख रहे हैं सबसे पहले चाइना ने ही शुरू किया था, तो आज भी सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ओके, और हम देखते हैं सेंट्रल, अच्छा चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो हम देख रहे हैं वो इंडिया है। ओके, और हम देख रहे हैं सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप भी जानते हैं एग्जामिनेशंस में इस तरह के इंस्टीट्यूट के नाम आते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने लाक कल्चर के बारे में जाना था, लाक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है पर्टिकुलर, तो हमने देखा था रांची के अंदर, झारखंड में। तो उसी तरह से अगर यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बहरामपुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में हम कह सकते हैं। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में। और साथ में हम देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेरिकल्चर की, तो वो तो आप भी जानते हैं कि सिल्क जो है उसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई सिल्क की अपने आप में इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, वो इतना सॉफ्ट होता है रेशा इसका, और साथ में हम देखते हैं वो डाई को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, किसी भी रंग के अंदर से मतलब इसका कपड़े बनाए जा सकते हैं, सॉफ्ट होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक रख सकते हैं, साथ में बायोडिग्रेडेबल भी होता है और इको फ्रेंडली भी होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस वजह से सिल्क जो है वो अपने आप में बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक प्रोडक्ट है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं ये क्वीन ऑफ टेक्सटाइल है ना क्या। और इसी वजह से हम देख रहे हैं सेरीकल्चर एक तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देख रहे हैं सेरीकल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ जनरल बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो अभी हमने जानी, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के अपने आप में ही अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, उसकी अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, है ना। और सिल्क वर्म की स्पीसीज हैं तो आप एक तरह से पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिल्क के टाइप्स को, सिल्क के टाइप्स को, क्यों? क्योंकि सिल्क वर्म के अलग अलग टाइप हैं, तो उनसे बनने वाला जो सिल्क है उसके भी थोड़े अलग अलग टाइप देखे जा सकते हैं। क्या है वो टाइप्स? तो हम देख रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला सिल्क वर्म है वो है मलबरी सिल्क वर्म, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिल्क वर्म है, सबसे अच्छा सिल्क वर्म है। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी जो होगी, इस मलबरी सिल्क वर्म से जो हमें सिल्क मिलेगा उसकी क्वालिटी दी बेस्ट होती है, और साथ में हम देख रहे हैं वो व्हाइट कलर की होगी, और मतलब कुल मिला के बेस्ट क्वालिटी का सिल्क हमें मिलता है। और इस सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो वो है बॉम्बिक्स मॉरी, ठीक है, बॉम्बिक्स मॉरी इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी जो फैमिली है वो है बॉम्बिसिडी। अब सिल्क वर्म के जितने भी आगे हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप याद रखिए कि इसमें जो बॉम्बिक्स मोराई है इसकी ही फैमिली का नाम, इसकी जो फैमिली है वो है बॉम्बिसिडी, बाकी सबकी जो फैमिलीज हैं यानी टसार्क सिल्क वर्म, एरी सिल्क वर्म और मोगा सिल्क वर्म, इन सभी की जो फैमिली है वो क्या है? सैटनिडी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्क वर्म है वो इंसेक्ट में लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट के अंदर रखा गया है। लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है, उस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने प्यूपा को कवर करने के लिए सिल्क बनाते हैं, लेकिन कमर्शियली इकोनॉमिक लेवल पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो फैमिलीज हैं। कौन कौन सी फैमिलीज? बॉम्बिक्स बॉम्बिसिडी, और दूसरी हम देख रहे हैं सैटनिडी। तो ये दो जो फैमिली हैं इनके जो इंसेक्ट जो सिल्क बना रहे हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो इस तरह से हमने सबसे पहले सिल्क वर्म के बारे में बात करी, जो है बॉम्बिक्स मोराई, इसकी फैमिली है बॉम्बिसिडी। होस्ट प्लांट समझ ही जाते हैं आप, जानते ही हैं कि मलबरी सिल्क वर्म का होस्ट ऑफकोर्स मलबरी लीव्स होंगी, शहतूत की पत्तियों को ये फीड करता है। और फिर हम देखें इसका ये जो होस्ट प्लांट की अलग अलग स्पीसीज़ कहें या इसके साइंटिफिक नेम देखें अलग अलग स्पीसीज़ के, वो ये हो सकते हैं कि मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा और मोरस लेटिफोलिया। तो इस तरह से मोरस के ही कुल मिला के अलग अलग स्पीसीज हम देख रहे हैं, यानी मलबरी की अलग अलग स्पीसीज की लीव्स के ऊपर ये फीड करता है, कौन? मलबरी सिल्क वर्म। और क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है जो कि दी बेस्ट क्वालिटी का होता है ना। और अगर हम सेकेंड सिल्क वर्म के बारे में बात करें तो वह है टसार्क सिल्क वर्म। टसार सिल्क वर्म सिल्क तो प्रोड्यूस करता ही है, जिसे हम टसार सिल्क कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंथेरिया पैफिया, ठीक है, एंथेरिया पैफिया इसकी साइंटिफिक नेम है, और इसकी जो फैमिली है वो है सैटिनिडी, जैसा कि आपने अभी जाना था। होस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका होस्ट है अर्जुन और साल। अर्जुन और साल के जो पेड़ होते हैं उनकी जो लीव्स वगैरह हैं उनके ऊपर ये फीड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ बातें याद रख सकते हैं टसार सिल्क वर्म के बारे में। और हम देखते हैं तीसरा है एरी सिल्क वर्म। एरी सिल्क वर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ये है फिलोसेमिया रिसिनी। फिलोसेमिया रिसिनी 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 हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है? रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस आप जानते होंगे, कैस्टर अरंडी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ उसकी पत्तियों के ऊपर ये जो होस्ट प्लांट है वो फीडिंग कर सकता है और सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिसिनी आ रहा है जो रिसिनस कम्युनिस को ही डिनोट करता है, ओके। चौथी जो स्पीसीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है मूगा सिल्क वर्म। अभी जो मूगा सिल्क वर्म है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम देखिए एंथ्रिया असामिया। एंथ्रिया असामिया, असाम असाम आ रहा है, असाम कहाँ है? इंडिया के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ ये एकमात्र ऐसा सिल्क वर्म है जो सिर्फ कहाँ देखा जाता है? इंडिया के अंदर ही देखा जाता है। इंडिया हैज़ अ मोनोपोली फॉर द मूगा सिल्क वर्म,
है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर दुनिया में एकमात्र देश जहाँ पे मूगा सिल्क फॉर्म की कल्टीवेशन हो सकता है तो वो हम देख रहे हैं इंडिया ही है ना। अभी इसके नाम में हम इसका ओरिजिन जो है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंथ्रिया असामिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसका जो होस्ट है वो है सिनामोन और मैचिलिस प्लांट्स, तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स के ऊपर ये फीड कर सकता है। कोकून की बात यहाँ की गई है, जो कोकून है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। कोकून को भी आप याद रखें कि मूगा सिल्क वर्म जो होता है उसका कोकून कैसा है, गोल्डन येलो कलर का होता है। और कोकून की बात मतलब कोकून या एक तरह से सिल्क की हमने बात की है, यहाँ गोल्डन येलो कलर का होता है। एरी सिल्क जो वर्म होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मॉडरेट क्वालिटी का होता है एरी सिल्क। टसार सिल्क जो होता है वो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कॉपर कलर का, या कह सकते हैं तांबे के जैसा कलर होता है उसके सिल्क का, ठीक है। और ऊपर हमने मलबरी का तो बात करी ही, वाइट कलर का होता है और दी बेस्ट कलर, दी बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था जो कि ये है कि इंडिया के अंदर सारी स्पीसीज जो भी हैं सिल्क वर्म की, सिल्क वर्म की जितनी भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं वो सारी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये हुआ, एक तो ये बात कि सारी स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल हैं, दूसरी बात ये कि सिर्फ एक ऐसी स्पीसीज जो इंडिया में ही अवेलेबल है वो कौन सी है, तो मूगा सिल्क वर्म है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म के बारे में। ओके, तो स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं बायोलॉजी ऑफ सिल्क वर्म के बारे में। अभी जो बायोलॉजी ऑफ सिल्क वर्म है इसे हम दो तरह से या दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्डनिज्म के बारे में, अभी वॉल्डनिज्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे इसकी लाइफ साइकिल को, लाइफ साइकिल के बारे में, उसके अंदर अलग जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हम वन बाय वन अच्छे से बात करेंगे। तो ये जो वॉल्टनिज्म है ये क्या चीज़ है ना। तो देखते हैं हम, द नंबर ऑफ जनरेशंस और क्रॉप्स इन वन ईयर, एक साल के अंदर सिल्क वर्म की कितनी जनरेशंस या कितनी क्रॉप्स हमें मिल रही हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्टनिज्म कहते हैं। साल में हमें एक क्रॉप मिल रही है सिल्क वर्म की तो उसे हम यूनिवॉल्टाइन कह देंगे, दो मिल रही है तो उसे हम बाईवॉल्टाइन कह देंगे, दो से ज़्यादा हमें क्रॉप्स मिल रही हैं तो उसे मल्टीवॉल्टाइन कह देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वॉल्टनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साल में कितनी क्रॉप्स हमें मिल रही हैं, है ना। यूनी का मतलब यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर यूनी का मतलब ही बस आप जानते हैं कि हम एक के लिए काम में लेते हैं। तो वैसे ही वन क्रॉप इन वन ईयर यूनिवॉल्टाइन स्पीसीज होती हैं, वो बाईवॉल्टाइन के अंदर प्रोड्यूसिंग टू क्रॉप्स इन वन ईयर और मोर देन टू क्रॉप्स इन वन ईयर। तो ये जो है क्या है, एक तरह से वॉल्टनिज्म है। क्वेश्चन ये है कि वॉल्टनिज्म ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है कि कुछ स्पीसीज जो है वो साल में एक बार ही जनरेशन दे रही है, ऐसा क्यों है कोई साल में दो बार दे रही है, ऐसा क्यों है कि साल में कोई दो से ज़्यादा दे रही है। तो रीज़न इसका ये है कि हम देखते हैं, जो मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर सिल्क वर्म है उसकी इस साल के अंदर स्प्रिंग सीजन आया, स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, स्प्रिंग सीजन के अंदर उसने एग लेइंग करी, एग लेइंग होने के बाद उसमें से हैचिंग हुई और हैचिंग होने से उनकी जनरेशन जो है वो बाहर आई। तो कहने का मतलब ये हुआ, स्प्रिंग सीजन के अंदर एक ही जनरेशन बाहर आई है। अब ये जो जनरेशन बाहर आई है हैचिंग के बाद एग्स में से, वो जब एडल्ट होने के बाद एग लेइंग करेगी, वो एग्स ले होने के बाद उनमें से हैचिंग नहीं होगी। हैचिंग नहीं होगी मतलब क्या है, एग जो है वो डायापॉज स्टेज में चले जाएंगे अगला स्प्रिंग आने तक, अगला स्प्रिंग सीजन आने तक। तो कहने का मतलब एग्स जो है वो डायपॉज स्टेज के, डायपॉज आप जानते होंगे कि एक तरह की सुषुप्तावस्था जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है, जिसके अंदर एम्ब्रियो की कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो एग जो है वो वैसा ही पड़ा रहता है ना। ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो एग्स हैं वो क्या होंगे, अगली स्प्रिंग सीजन आने तक कोई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब अगला स्प्रिंग आ जाएगा तब उसमें से एग्स निकलेंगे। तो कहने का मतलब साल में हमें एक ही क्रॉप मिल पाएगी। इस तरह की स्पीसीज को हम कहेंगे यूनिवॉल्टाइन। जब अगले साल की बात ही ना हो, मतलब स्प्रिंग के बाद जब समर सीजन आए उस वक्त ही उन एग्स में से क्या हो जाए, हैचिंग हो जाए, तो साल में दो बार जनरेशन बाहर आ गई, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, बाईवॉल्टाइन कह सकते हैं। समझाइए आपको बात। और तीसरी चीज़ जो है वो मल्टीवॉल्टाइन, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि किसी जनरेशन ने एग्स ले किए, उसमें से उसकी जनरेशन आई, उसके बाद फिर से एगलिंग हुई, फिर से एगलिंग हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ, इनके अंदर एग डायापॉज जो है वो है ही नहीं, है ना। ऐसे के अंदर एग डायापॉज या एग्स जो है उसके अंदर रुकी हुई स्टेज जो है ही नहीं, वो सीधा ही क्या हो रहे हैं, एग्स हैच हो रहे हैं, और उनकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट है
है ना। तो मल्टी वोलेटाइल स्पीसीज के अंदर आप ये याद रख सकते हैं कि इनके अंदर हम देख रहे हैं डायापोज वाली स्टेज जो है वो नहीं होगी, और साथ में इनके जो लाइफ साइकिल होंगे वो भी छोटे होंगे। इसी वजह से एक साल के अंदर दो से ज़्यादा हम देख सकते हैं इनकी स्पीसीज देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना यूनिवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन के बारे में। जगह के रूप में भी आप देख सकते हैं रशिया, यूरोप और आसाम, इन जगहों पे हम जो जो सिल्कवर्म की स्पीसीज देखते हैं वो जनरली यूनिवोल्टाइन होती हैं। जो चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया है वहाँ की स्पीसीज बाइवोल्टाइन होती हैं, और ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे हाइबरनेशन या ज़्यादा ठंड वाली कंडीशन है ही नहीं, एग को डायपॉज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उस ऐसी जगहों पर हम देखते हैं मल्टी वोल्टाइन कंडीशंस देखी जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने जाना वोल्टेनिज्म क्या होता है, वोल्टेनिज्म के पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म के बारे में। ओके, तो चलिए वोल्टेनिज्म को समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई की। बॉम्बिक्स मोराई की ही लाइफ साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। आपने जाना था कि अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उसमें बॉम्बिक्स मोराई की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इंसेक्ट है इसका ऑर्डर जो है वो है लेपिडोप्टेरा, और इसकी जो फैमिली है वो है बॉम्बिसिडी, है ना, आपने पहले भी जाना था। तो ये जो लेपिडोप्टेरा है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर, आप भी जानते होंगे कि इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। इंसेक्ट्स के अंदर दो तरह के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर लाइफ में तीन ही स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर हम देखते हैं एग्स, निम्फ एंड एडल्ट। और हम देखते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हम देखते हैं लाइफ में चार मेन स्टेजेस, जो कि कौन कौन सी हैं, एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, इतना आप जानते हैं। तो ये भी लेपिडोप्टेरा का है, इसके अंदर भी चार मेन स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यहाँ जो एडल्ट्स हैं वो हैं मॉथ। ओके, एडल्ट्स के अंदर कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो हम देखते हैं मॉथ। और ये जो मॉथ होते हैं इनकी आप भी जानते होंगे कि मॉथ और जो बटरफ्लाई होती हैं उनकी जो लार्वा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, है ना। तो कैटरपिलर्स जो हैं इसके लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं। बीटल्स के जो लार्वा होते हैं उनको हम ग्रब कहते हैं, आपको याद होगा। तो कहने का मतलब यहाँ मौत हैं जो उनके लार्वा को हम कैटरपिलर्स कह सकते हैं। अब इनकी लाइफ की जो सबसे पहली स्टेज है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है एग। अब ये जो एग है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अलग अलग रेसेस देखी जाती हैं, रेसेस मतलब अलग अलग तरह के जो टाइप्स हैं सिल्क वर्म के, उनमें हम देखते हैं जो वाइट कोकून बनाते हैं, जैसे कि हमने जाना था बॉम्बिक्स मोराई के बारे में ही बात कर लेते हैं, जैसे जो वाइट कोकून बनाता है तो उसकी जो एग्स हैं वो पर्टिकुलर पेल येलो एग्स होते हैं, राउंड होंगे और पेल येलो होंगे। और साथ में हम देखते हैं जो येलो कोकून होता है जिनके चारों तरफ, ऐसे सिल्क वर्म जिनके चारों येलो कोकून है, तो उनके जो एग्स होते हैं वो पर्टिकुलर डीप येलो कलर के होते हैं। शायद काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है, ये समझ में आने वाली बातें हैं कि भाई जो वाइट कोकून है उनके जो एग्स हैं वो पेल येलो होते हैं, येलो कोकून्स होते हैं उनके डीप येलो कोकून्स होते हैं। ओके, और हम देख रहे हैं ये जो एग्स हैं दो तरह के हो सकते हैं, डायापोज टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन डायापोज टाइप के भी हो सकते हैं। डायापोज के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, डायापोज एक तरह की ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो रेस्ट पे है, वो बाहर नहीं आएगा, है ना, उसकी इनएक्टिव स्टेज है वो, तो कहने का मतलब वो डायापोज स्टेज होती है। तो एग्स डायापोज भी हो सकते हैं, नॉन डायापोज भी हो सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डायापोज स्टेज होती है उससे हम आर्टिफिशियली ब्रेक भी कर सकते हैं किसी एसिड के ट्रीटमेंट से, या हम जैसे एसिड HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रीटमेंट से, या हम देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज ट्रीटमेंट से, इस तरह के कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के मेथड्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर भी बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले वीडियोस में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इन केस अगर आप उनको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है उसके अंदर उस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसे। तो एसिड ट्रीटमेंट और कोल्ड स्टोरेज ट्रीटमेंट से इस तरह की डायपोल स्टेज को भी ख़त्म किया जा सकता है या स्किप किया जा सकता है किसमें, सिल्क वर्म से। और हम देखते हैं कि अराउंड 300 to 400 एग्स आर लेड फ्रॉम विच लार्वा इमर्ज। हम देखते हैं जो इनके एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट फीमेल होती है, कॉपुलेशन के बाद जो कितने एग्स निकालेंगी, तो एक साथ 300 से 400 और ग्रुप्स में इनके अंदर लार्वा निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो लार्वा है जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं वो क्या करते हैं, तो एक चीज़ देख लीजिए, एग्स जो है वो 10 दिन के बाद लार्वा उनमें से हैचिंग हो जाती है लार्वा की, और ये लार्वा हैं फीड ऑन मलबरी लीव्स,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉम्बिक्स मोराई की, तो ये मोरस अल्बा के ऊपर फीड करना चाहेगा, यानी इसका होस्ट प्लांट कौन है, मलबरी लीव्स, तो मलबरी लीव्स के ऊपर इनकी ये फीडिंग करते हैं। तो इस तरह से लाइफ साइकिल की हमने सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करी जो कि है एग्स। तो एग्स में से हैचिंग होगी और कितने दिनों बाद, 10 दिनों बाद हैचिंग होगी और उसमें से लार्वा निकलेंगे। उन लार्वा की पर्टिकुलर क्या खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं जो कि है लार्वल स्टेज। जैसा कि आपने जाना, एग्स में से 10 दिनों बाद या लगभग 10 दिनों बाद हम देखते हैं जब हैचिंग हो जाती है तो उनमें से लार्वा निकलते हैं। लार्वा या जिन्हें हम कैटरपिलर कह रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं द न्यूली हैच्ड लार्वल बॉडी इज डेंसली कवर्ड विथ ब्रिस्टल्स। जो नई बॉडी मतलब हम देख रहे हैं लार्वल की, जो नई बॉडी है अभी जो लार्वा निकला है उसके अंदर हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर बाल से देखे जाएंगे, है ना, छोटे छोटे हेरी स्ट्रक्चर्स देखे जाएंगे जिन्हें हम ब्रिस्टल्स कह रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एज द लार्वा ग्रोज इट बिकम्स स्मूदर एंड लाइटियर इन कलर। और जैसे जैसे ये लार्वा ग्रोथ करता है यानी इसके अंदर मॉल्टिंग्स होती है। कितनी मॉल्टिंग्स होती हैं तो हम देखते हैं इनके अंदर 4 मॉल्टिंग देखी जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि द लार्वल ग्रोथ इज मार्क्ड बाय 4 मॉल्ट्स एंड 5 इंस्टार्स। 4 बार इनके अंदर मॉल्टिंग होती है जिससे 5 इंस्टार्स देखे जाते हैं, है ना। पहली बार मॉल्टिंग होगी तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज आएगी, फिर दूसरी बार मॉल्टिंग होगी तो तीसरी स्टेज आएगी, तीसरी बार मॉल्टिंग होगी तो चौथी स्टेज आएगी, चौथी बार मॉल्टिंग होगी तो 5वीं उसकी जो स्टेज है लार्वल स्टेज जिन्हें हम पर्टिकुलर क्या कह रहे हैं, इंस्टार कह रहे हैं, तो वो सामने आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ जो 5th इंस्टार स्टेज है उसके बाद ये अपने क्या करते हैं, चारों तरफ प्यूपा या कह सकते हैं प्यूपल स्टेज के अंदर जाएंगे, और प्यूपल स्टेज में जाने से पहले अपने ऊपर क्या बनाते हैं, सिल्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए, सिल्क की एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे हम कोकून कहते हैं, है ना, तो वो अपने ऊपर कवरिंग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर 4 मॉल्टिंग होती है और 5 इंस्टार स्टेज देखे जाएंगे इसके अंदर। और हम देख रहे हैं लार्वल पीरियड जो है वो लगभग कितने दिनों का होता है, तो 25 डेज का होता है। ओके, लार्वा की बॉडी को थोड़ा सा स्टडी करें हम तो देखते हैं हम इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं वो ऑफ कोर्स च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप के होते हैं, तभी तो ये हम देखते हैं लीव्स वगैरह को चबाते हुए बाइट करते हुए उसे कंज्यूम करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो इनके मैंडिबल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तभी इस तरह से ये च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के इनके माउथ ऑर्गन कहे जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है उसे अगर 3 सेगमेंट्स में बांट दें, वैसे तो इंसेक्ट को 3 सेगमेंट में बांटते हैं, वैसे ही हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तो उसी तरह से हेड जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं 6 फ्यूज सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं। थोरेक्स होता है उसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, है ना, प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तो उस तरह से उसके अंदर हम देखते हैं 3 सेगमेंट्स होते हैं। और जो इनके जो थोरेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो 3 सेगमेंट्स हैं उन पर ट्रू लेग्स देखे जाते हैं। इस चीज़ को याद रख सकते हैं आप कि थॉरेक्स के ऊपर जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर, तीनों के ऊपर एक वन पेयर ऑफ हम देख रहे हैं क्या देखे जाते हैं, ट्रू लेग्स देखे जाते हैं। अब इनकी जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर कहाँ होती है तो हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंसेक्ट होता है तो उसके ऊपर की साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं, नीचे की साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और इधर उधर की साइड्स को हम लेटरल साइड्स कहते हैं। तो वेंट्रोलेटरली का मतलब क्या हो गया, एकदम से वेंट्रल साइड पे और लेटरल साइड के अंदर, इस तरह से यहाँ पे इनके ट्रू लेग्स देखे जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो ट्रू लेग्स हैं, ये ट्रू लेग्स का काम क्या होता है, तो हम देख रहे हैं इनके ऊपर क्लॉव्स पाए जाते हैं। क्लॉव्स का मतलब एक तरह से ऐसी स्ट्रक्चर है जो इनको रेंगने के अंदर काम नहीं आती, बल्कि वास्तव में ये जो लीव्स वगैरह होती हैं उनको पकड़ के उनको कंज्यूम करने में काम आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ इनके पास ट्रू लेग्स हैं जिनके ऊपर जो क्लॉव्स हैं उनका काम क्या है, लीव्स वगैरह को कंज्यूम करना, है ना। और हम देख रहे हैं एब्डोमिन की, तो एब्डोमिन के अंदर हम देखते हैं 11 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी गिनती करें तो वो 9 ही होंगे 9 होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लास्ट में जो 9th सेगमेंट होगा उस पर लास्ट के 3 सेगमेंट्स फ्यूज हो चुके होते हैं, इसलिए हम देखते हैं इसके अंदर टोटल 9 सेगमेंट्स देखे जाएंगे, लेकिन होते 11 हैं जो कि फ्यूज होकर 9 दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से इनके अंदर हम सेगमेंट्स देखते हैं। और हम देखते हैं जो इनके एब्डोमेन है उसके ऊपर स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं। स्यूडो लेग्स यानी कि नकली पांव, है ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो लेग्स हैं ट्रू नहीं है और एडल्ट स्टेजेस के अंदर कहीं ना कहीं फ्यूज हो चुके होते हैं शायद, इसी वजह से हम कहते हैं ये स्यूडो लेग्स हैं। ठीक है, स्यूडो लेग्स की पोजिशन आप याद रख सकते हैं कि जो एब्डोमिनल वाले सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर ये स्यूडो लेग्स देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें
तो एट सेगमेंट पे एक कॉडल हॉर्न देखा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। एट सेगमेंट पे ऊपर की तरफ से एक हॉर्न निकला होता है जिसे हम कॉडल हॉर्न कहते हैं। अभी कॉडल हॉर्न का काम क्या है, वास्तव में कहीं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स वगैरह हों तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये कॉडल हॉर्न भी होता है इसके पास, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे आप, कौन सी, कि इनके अंदर सेक्सुअल मार्किंग देखी जाती है। सेक्सुअल मार्किंग का मतलब क्या होता है कि पहचान सके हम लार्वा को कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो कैसे, फीमेल्स जो होती हैं उसके अंदर इशिवाटास ग्लैंड देखे जाते हैं। इशिवाटा ग्लैंड स्पॉट, एक तरह से स्पॉट्स होते हैं जो कि फोर और विहिंड साइड दोनों की तरफ होते हैं, आगे पीछे। स्क्रीन पर आपके सामने एक इमेज आ रही होगी जिसमें आप नाइन्थ सेगमेंट पे, एट्थ नाइन्थ सेगमेंट पे आप इशिवाटास ग्लैंड को देख सकते हैं जो कि फीमेल्स में है। मेल के अंदर इस तरह के जो स्पॉट हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो हम होराल्ड्स ग्लैंड कहते हैं। ओके, क्लियर है आपको ये बात। तो सेक्सुअल मार्किंग के अंदर दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, मेल के अंदर होराल्ड्स ग्लैंड होती है जबकि फीमेल में इशिवाटास ग्लैंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लार्वल स्टेज के बारे में जाना। ओके, तो चलिए लार्वल स्टेज को जान लेने के बाद अब तीसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं जो कि है प्यूपा स्टेज। अब प्यूपा स्टेज जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक इनएक्टिवेशन की स्टेज है जिसके अंदर जो इंसेक्ट है वो कहीं ना कहीं रेस्टिंग पीरियड पे होता है ना। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले इसके अंदर एक और स्टेज देखी जाती है जिसको हम कह देते हैं प्री प्यूपा स्टेज। प्री मतलब पहले, प्यूपा से पहले। तो प्यूपा बनने से पहले एक छोटी सी हम देख रहे हैं प्री प्यूपल स्टेज देखी जाती है, उसमें क्या होता है तो उसके बारे में देखिए। डिसोल्यूशन ऑफ लार्वा लार्वल ऑर्गन टेक्स प्लेस, मतलब जो लार्वा के ऑर्गन्स थे वो डिफ्यूज होने लगते हैं, और हम देखते हैं विच इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट ऑर्गन्स, और जिसके बाद ऑफ कोर्स एडल्ट ऑर्गन्स में वो डेवलप होने लगते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से वो तैयारी शुरू हो गई है किसमें, एडल्ट में बदलने की, है ना। और हम देखते हैं जो प्यूपा है वो शुरुआत में अर्ली स्टेजेस के अंदर वाइट एंड सॉफ्ट होता है जो कि बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं जो ब्राउन एंड हार्ड हो जाता है, डार्क ब्राउन सा, और हम देखते हैं मजबूत यानी हार्ड सा उसकी स्किन हो जाती है। तो कहने का मतलब इस तरह से प्यूपा के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। और एज प्यूपल स्टेज एडवांसेस, जैसे जैसे प्यूपल स्टेज आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं अ पेयर ऑफ लार्ज कंपाउंड आइज, उसके ऊपर आइज जो है वो लार्ज कंपाउंड आइज में बदलने लगता है। पेयर ऑफ एंटीनी, एंटीनी डेवलप होने लगते हैं। फोर एंड हिंड विंग्स, विंग्स डेवलप होने लगते हैं। एंड लेग्स बिकम विजिबल, और लेग्स भी विजिबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो इस स्टेज के अंदर जहाँ वो प्यूपा अंदर है वो प्यूपा किसमें बदल रहा है, एडल्ट फॉर्म के अंदर बदलने लगता है, एडल्ट फॉर्म में बदलने लगता है। क्या हम इंसान ऐसा होने देते हैं? नहीं। सेरिकल्चर के अंदर जो हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं, हमें तो क्या चाहिए, इस सिल्क सिल्क चाहिए हमें। प्यूपा के चारों तरफ जब सिल्क डेवलप होने लगेगा तब हम उसकी एडल्ट फॉर्म को एमर्ज होने ही देंगे। हम इतने स्वार्थी हैं, हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसे बॉयल किया जाए, उनकी जो प्यूपल स्टेज है जिसके चारों तरफ कोकून डेवलप्ड है उस कोकून स्टेज को बॉयल किया जाएगा, या ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी जिससे कि हम देख रहे हैं सिल्क को अलग कर लिया जाए और एडल्ट उसमें ही ख़त्म हो जाए, प्यूपल स्टेज के अंदर ही वो इंसेक्ट ख़त्म हो जाए, यानी कि उसमें एडल्ट एमर्ज हो ही ना। तो कहने का मतलब ऐसा भी किया जाता है, किसके लिए, सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। खैर आगे हम देखें तो सेक्स मार्किंग के रूप में, सेक्सुअल मार्किंग जो आपने अभी लार्वल स्टेजेस में भी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे देखिए कि प्यूपा के अंदर भी पहचाना जा सकता है कौन सा प्यूपा मेल का है कौन सा फीमेल का। कैसे, फीमेल के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल लाइन दिखी जाती है एट्थ सेगमेंट पे, जो आठवां सेगमेंट होता है उसके ऊपर लंबवत रूप से एक लाइन देखी जाती है, जबकि ये लाइन एब्सेंट होती है मेल के प्यूपा पे। ओके, और हम देखें प्यूपा गेट्स कवर्ड विथ ओवल और राउंड सिल्क कोकून और प्यूपा के चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हमने एक तीसरी स्टेज के बारे में जाना जो कि है प्यूपा स्टेज। ओके, तो चलिए एट लास्ट अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज के बारे में जो कि है एडल्ट स्टेज, या जिसे हम मौत स्टेज कहते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर स्टिल आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मुझे आभारी हूँ मैं आपका कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हो। और तो का टॉपिक भी कंटिन्यू करें, हम तो देखते हैं कि जो एडल्ट या जिसे हम मौत कह रहे हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं ये क्रीमी वाइट कलर के होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 30 मिलीमीटर यानी 30 मिलीमीटर होती है। अगर विंग स्पान फैलाए हुए अगर इनकी अगर हम पर्टिकुलर लेंथ कहें तो वो 40 to 50 मीटर भी कही जा सकती है। और हम देखते हैं द मौत इज़ यूनिसेक्सुअल एंड शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मौत जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं ना, मेल अलग फीमेल अलग, है ना।
एक साथ हो जाता है तो उसे बाइसेक्सुअल कह देते हैं, है ना। खैर, तो द मोथ नॉथ इज यूनिसेक्सुअल एंड शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी इन्हें देख के बताया जा सकता है मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। कैसे? द फीमेल हैज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर एंटीनी। फीमेल की जो एंटीना होते हैं वो कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, यानी मेल के एंटीना लंबे होते हैं। मेल मॉथ इज स्मॉलर इन द साइज। मॉथ खुद क्या होता है? छोटा होता है। मेल मॉथ जो है वो छोटा होता है फीमेल मॉथ से, और हम देखते हैं ज़्यादा एक्टिव होता है और डार्क कलर का होता है थोड़ा, है ना। वैसे तो हमने देखा कि इनका कलर क्रीमी वाइट है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो डार्क कलर है उसमें वो किसका होगा, तो वो मेल का तो कलर थोड़ा सा फेड हुआ सा या डार्क कलर होगा। द हेड इज स्मॉल एंड बियर्स अ पेयर ऑफ ब्लैक कंपाउंड आइज। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना, प्यूपा स्टेज के अंदर हम देखते हैं क्या होने लगता है, इनकी आईज़ वगैरह डेवलप होने लगती हैं, तो वही हम देखते हैं मेल जब एडल्ट बन चुका है तो उसके अंदर कंपाउंड आईज़ क्रिएट हो जाती हैं। बाईपैक्टिनेट एंटीना देखे जाते हैं। बाईपैक्टिनेट मतलब द्विकंघाकार, जैसे हिंदी में कह सकते हैं ना, तो बाईपैक्टिनेट इसके अंदर एंटीनी देखे जाते हैं। माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब हिंदी में जैसे हम कह सकते हैं अवशेषी अंग, है ना, जो कि काम के ही नहीं है। माउथ पार्ट्स होते हैं लेकिन इनके काम के नहीं होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में है, जिस वजह से ही हम देखते हैं ये कुछ खा नहीं सकते। ये एडल्ट्स हैं, बिना कुछ खाए पिए ही क्या रहेंगे, ऐसे ही बस आए क्यों हैं इस दुनिया में। तो आप भी जानते हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर एडल्ट्स का काम क्या होता है, बस इस दुनिया में वो अपनी नई दूसरी जनरेशन को देने आते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के लिए होते हैं। तो उसी तरह से ये वेस्टिजियल इसके माउथ ऑर्गन होते हैं, देयर फॉर डज नॉट टेक फूड, फूड खा नहीं पाते, और हम देखते हैं एंड लिव्स ओनली फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक ही ये जिंदा रह पाते हैं। और इस कुछ दिनों के दौरान वो जिंदा हैं तो उनका काम क्या है? जल्दी से जल्दी मेटिंग करना, और ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रोड्यूस कर सके, है ना, एग लेइंग कर सके। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देखते हैं इनकी एक एडल्ट स्टेज के बारे में। तो इस तरह से आपने इनकी लाइफ साइकिल के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था ये जो एडल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था 300 to 400 एग्स को एक साथ ग्रुप में ले किया जाता है, जिनमें से वापस हैचिंग होकर लार्वा निकलते हैं। लार्वा के अंदर 4 बार मॉल्टिंग होती है, 5वीं 5th जो एन स्टार स्टेज होती है उसके अंदर हम देखते हैं फिर ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं फिर वो प्यूपा में बदलता है, अपने चारों तरफ कोकून बनाता है जो हमारे काम का होता है, और देन उसके बाद एडल्ट स्टेज एमर्ज हो सकती है, जो हम होने नहीं देते अपने सेरिकल्चर के अंदर, है ना। तो खैर, इस तरह से जो है ये लाइफ साइकिल देखी जाती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हम एपिकल्चर और लार्क कल्चर इनके ऊपर अच्छे से बात कर चुके हैं। साथ ही हमने ऐसे इंसेक्ट्स ऑर्डर जिनके अंदर प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स को रखा जाता है उसके बारे में भी अच्छे से बात की है। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन लिंक को यूज़ करते हुए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल के और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा। साथ ही अगर आप जनरल एग्रीकल्चर के नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।